अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ ज्योति और स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्योतिस क्रिएशन में। तो आज कल जैसे कि मंजूर चले हैं और एक दो दिन में एक आध दिन में शरारत भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो हमने सोचा चलो मार्केट चलते हैं। तो आज मम्मी, मैं और विहू हम तीनों जा रहे हैं मार्केट और आरव घर में ही रहेगा क्योंकि क्लास जस्ट अभी ख़त्म हुई है उसकी। और देखते हैं और क्या क्या करेंगे वहाँ मार्केट में। और मम्मी हो गई है रेडी और तो देखते हैं क्या क्या हो पाएगा कितना। अरे एक्चुअली मुझे ना आरू के लिए कुर्ता लेना था क्योंकि उसकी क्लास एक्टिविटी भी है और मैं चाहती थी कि एक प्लेन सिंपल सोवर कुर्ता होना चाहिए, तो वही था। तो बस मैंने सोचा कुर्ता भी ले लेते हैं और इसी बहाने मार्केट भी घुमाएंगे है, तो बस चलते हैं। चलिए फिर चलते हैं यार। चलो मम्मी रेडी हो गए अब, आ जाओ बाजार। सब चलो बाजार, चलो फिर चलते हैं मार्केट। तो वहाँ पर दादी और नाती आगे आगे चल रहे एंड हम लोग पीछे पीछे। बिहू, मम्मा नहीं आएगी? जल्दी आ जाओ, आराम से आराम से आराम से। बिहू दादी का हाथ पकड़ो, हाँ हाथ पकड़ के चलो। तो हमेशा की तरह ऑटो में बैठते ही इसको नींद आ जाती है आज को। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. तो बस ये देखो हम लोग पहुंच गए और हम शॉप में भी चले गए और ये वाला कुर्ता मुझे पसंद आया और ये अफगानी टाइप का कुर्ता है तो मुझे अच्छा लगा और कलर भी बहुत सुंदर था सा, तो बस मैंने यही ले लिया अरब के लिए। और आप बताना आप लोगों को कैसे लगा ये वाला कुर्ता। तो बस आरू की शॉपिंग होने के बाद फिर हमने बिहू के लिए ले लिया, तो बस इसी तरीके शॉपिंग चालू है। ये देखो गंगा मैया के किनारे किनारे। और हाँ यार मैं सैनिटाइजर ले जाना भूल गई थी जिसके लिए मैंने मम्मी और को बोला आप लोग रुको मैं लेके आती हूँ मार्केट शॉप से, तो इसलिए मैं अलग हो गई थोड़ा सा। Like a bird on a tree. It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors, forever free.
take a step back to see the truth around you. So first, I'm in bakery mein aayi hoon kyunki Aru ne bola tha ki mujhe burger khana hai, to iske liye mujhe yahan pe aayi aur fatafat se apne burgers aur bakeries wagera banwai aur phir hum chal pade ghar. गाइस, तो जस्ट अभी हम लोग पहुँचे हैं और अब मैं बना रही हूँ चाय और बज रहे हैं 2:30 बजने वाले हैं. पापा ने तो खा लिया था तो मैं बना रही चाय और चाय के साथ मैं लाई हूँ पेटीज, तो चाय और पेटीज खाएंगे. और क्या हुआ? अरे आप गिर गए. पानी चाहिए? तो आप टाइम नहीं खाना बनाने का और लेट भी बहुत हो गया, तो मैंने सोचा चाय और पेटीज खाते, तो चाय बना रही हूँ मैं और गला वैसे ही है. ये रही, ये है चाय जो बन रही है, साथ में पेटी है अलग टाइप की है थोड़ी सी. इसमें प्याज भी डले हैं, तो मैं पापा को दे चुकी हूँ और 3 और एक्स्ट्रा हैं. अनु मामा, वो मामा था. वो तोता था. तोता. अच्छा वो तो मम्मा है और पापा है. क्या था? नहीं नहीं वो देख मम्मा है. वो किचन में, ये क्या है? वो पीछे देखो, पानी. पानी है वो, तेल पानी. पानी पीना है आपको? तो ये तो फिनिश कर लो पहले. अरे इसको फिनिश कर लो पहले. ओके ला रही हूँ मैं. मिंगल आओ मतलब नहीं मिलेगा. मिंगला अरे रुक जा, है उसमें अभी बोल नहीं हो तो पता भैंसा पर कौन. अरे दे दे थोड़ा तू. मेरा नहीं ले 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 आ मैं नहीं होते कर छी. मम्मी मैं नहीं पानी भी ले भाई हो. अरे ये रहा पानी बुला का. नहीं जा आधा गिलास में. आधा गिलास भी बच्चा है. पिए ही आधा पिए. अच्छा बीहू कैसा था? बिस्किट कैसा है? ओके ओके बीहू बिस्किट खाएगा? आप अभी रो क्यों रहे थे? भैया को डांटा. भैया ने डांटा? ओहो बीहू ये लो. नहीं खाना मेरे को, खा ले. नहीं खाना, रो डुबा के खा ले, डुबा ले. अब तो शांत हो गए शायद वो. हां डुबे ले डर. नहीं 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 आरू गंदी बात, मैं मार दूंगी, पिटाई कर दूंगी. नहीं कर रहा भैया, लो आपकी ये चाय. तो सॉरी बोल. हाँ ऐसे बोला, ऐसे बोला बाप, मारा थोड़ी. सॉरी बोलो आरू, सॉरी बोलो, प्यार से बोलो सॉरी. भैया ने बोल दिया सॉरी. ओके सॉरी.
अरे तू बार बार चाय क्यों पी रहा है उसकी? ये फूल क्या है देखो पीछे अपने, ये वाला, ये चींटी है, ये तो ये किसकी बात कर रहा? क्यों सता रहे तुम लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा। चुपचाप खा रहे थे उसको, इतने अच्छे से खा रहा था वो। ले वा, आपका है। अरे भूख लगी, बेचारा इतना सारा सीधा साधा बच्चा है, उसको परेशान कर। हाय गाइस, तो हम अभी शाम हो गई, रात हो गई और अभी मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि हम लोग गए थे, मैं टेलर के पास गई थी क्योंकि मेरे दो तीन ब्लाउज थे तो वो देने थे और बहुत टाइम से रह जा रहा था, तो फिर इसीलिए थोड़ा लेट भी हो गई मैं। और आके फटाफट से मैंने सब्ज़ी रखी उधर, सॉरी पीछे, उस तरफ सब्ज़ी रख दी है और साथ में पराठा बना रही हूँ बीहू के लिए, और बाकी रोटियाँ बाद में बनाऊँगी क्योंकि लेट हो रहा है ना, फिर वो दूध नहीं पीता फिर बाद में, इसलिए मैं पहले पराठा बना देती हूँ उसके लिए। तो बस जब सब्जी बनेगी तो फिर आलू के लिए भी बना दूंगी। तो बस यही है, और ये रही मेरे पराठा इधर बन रहा है और सब्जी इधर है, आलू न्यूट्रेला की सब्जी बन रही है। तो बस यही सब चल रहा है।